Dear students, today I am going to solve exercise 3.4, chapter data handling. It is last exercise of this chapter. Before doing this chapter, we know about probability and chance. What is probability and or what is a chance? Probability means sambhavana. Here we see, we know that when a coin is thrown, it has two possible outcomes, head or tail. And for a die, we have six possible outcomes. We also know from experience that for a coin, head or tail is equally likely to be obtained. We say that the probability of getting head or tail is equal and is 1/2 for each. जब एक क्वाइन के बारे में हम लोग सोचते हैं तो क्वाइन के दो साइड्स होते हैं, एक हेड और एक टेल को इंडिकेट करता है, और वही उसके टू पॉसिबल आउटकम्स होते हैं. जब भी हम लोग टॉस करते हैं किसी क्वाइन को, तो या तो अपर पार्ट टेल आएगा या फिर हेड आएगा, तीसरा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है. तो टू आउटकम्स हम बोलेंगे कि टू पॉसिबल आउटकम्स कॉइन के लिए होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. यही जो पॉसिबिलिटी है वही प्रोबेबिलिटी है, वही चांस है. और यदि हम डाई की बात करते हैं, लूडो में डाई होता है जिसके सिक्स फेसेस होते हैं, और सिक्स इच फेस पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये इंडिकेट किया जाता है. और जब उसको हम लोग थ्रोन आउट करते हैं तो हम देखते हैं या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 6 आएगा. तो यह प्रोबेबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी होती है. और इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो रिलेट करता है एक्सरसाइज 3.4 से. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. देखो बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि जो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इस स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सर्टेन टू हैपन, निश्चित रूप से होगा ही, और कौन सा ऐसा है जो इम्पॉसिबल है, जो नहीं होगा, और कौन सा ऐसा है जो कैन हैपन, हो सकता है बट नॉट सर्टेन, लेकिन यह निश्चित नहीं भी होगा. क्वेश्चन जैसे फर्स्ट में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, इसका मतलब होता है कि आज तुम्हारा उम्र ज़्यादा हो जाएगा यस्टरडे के तुलना में, बीते हुए कल के तुलना में. तो ये बिल्कुल सही बात है. यदि यस्टरडे को तुम्हारा एज 13 years 8 months and 10 days है, तो आज क्या हो जाएगा, वो डे एक इंक्रीज़ कर जाएगा और तुम्हारा 11 days हो जाएगा, बाकी ईयर और मंथ सेम रहेगा. तो इसका मतलब एक दिन हम ज़्यादा उम्र के हो गए. तो यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, ये बिल्कुल सही बात है, और ये सर्टेन टू हैपन होगा, निश्चित रूप से ऐसा होगा, ये आंसर में हम लिखेंगे. दूसरा देखो, ए टॉस्ड क्वाइन विल लैंड हेड्स अप. कोई क्वाइन को हम टॉस करते हैं और संभावना इसमें बतला रहा है कि निश्चित रूप से वह उसका हेड ही ऊपर आएगा. तो यह संभव है भी, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है, यह सर्टेन नहीं है. ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. तीसरा देखते हैं, अ डाई व्हेन टॉस्ड सेल लैंड अप विल विथ 8 ऑन टॉप. अब जैसा कि पहले बोल चुके हैं हम कि डाई में 6 फेस होते हैं, तो 6 फेसेस जब होंगे और सभी फेस 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या फिर 6 किसी एक सिंगल नंबर को इंडिकेट करेगा, तो उस इस कंडीशन में 8 तो कभी आएगा ही नहीं. तो यह क्या होगा, 8 की पॉसिबिलिटी जो है, यह 8 आउटकम्स जो है, यह इम्पॉसिबल होगा. तो हम लिखेंगे कि अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, इट इज इम्पॉसिबल. ये सही, ये संभव नहीं है. और चौथा दिया हुआ है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, कि अगला ट्रैफिक लाइट हमें ग्रीन मिलेंगे. ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. और टुमोरो विल बी अ क्लॉडी
डे, कल कह रहा है कि आने वाला कल जो है उस दिन डे क्लॉडी होगा, तो ये भी सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, या सर्टेन नहीं है कि ऐसा होगा ही। तो इसमें जितने भी स्टेटमेंट्स था उस सब में हम देखते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है जो या तो होगा या नहीं होगा या फिर वह इम्पॉसिबल होता है। इसको इस तरह से हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन का था यह, पहला नंबर में जैसा कि बतलाए सर्टेन टू हैपन, सेकेंड नंबर में बतलाए कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, थर्ड नंबर में बतलाए इम्पॉसिबल, फोर्थ नंबर में बतलाए कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, और फिफ्थ नंबर में भी वही था कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं यह क्या है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर सिक्स मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। किसी बॉक्स में 6 मार्बल्स हैं और हर एक मार्बल पर कोई ना कोई नंबर दिया हुआ है जो 1 से 6 तक है। जैसे किसी मार्बल पर 1 लिखा है, अगले पर 2 लिखा है, अगले पर 3 लिखा है, इस तरह से 6 मार्बल्स हैं और सब पर नंबरिंग किया हुआ है जो 1 to 6 को इंडिकेट करता है, 1 से 6 तक। अब यहाँ पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर 2 वाले मार्बल को बाहर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, संभावना क्या हो सकती है। तो जब भी इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसके लिए ये रूल होता है कि जिसको हमें फाइंड आउट करना है वह कितनी संख्या में है। तो 2 नंबर के मार्बल्स कितनी होंगी, तो सिर्फ 1 होंगे, तो यह 1 हो जाएगा न्यूमरेटर और टोटल मार्बल्स उसमें कितने हैं 6, तो वह हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो मार्बल विथ नंबर 2 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, चूँकि 2 नंबर वाले एक ही मार्बल होंगे और टोटल मार्बल्स उस बॉक्स में 6 हैं, इसलिए ये मार्बल जिसके नंबर 2 हैं उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। फिर उसी तरह से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5, ये भी तो एक ही होगा, 5 नंबर वाले मार्बल सिर्फ एक ही होंगे और उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगा। इसको हम इस सेंटेंस में इस तरह से लिखेंगे, लाइकली पॉसिबल आउटकम्स जो मार्बल के होंगे वह 1 होगा, किसी मार्बल पर 1 लिखा होगा, किसी पर 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 मार्बल्स हैं जिसके हर एक के ऊपर ये 1, 2, 3, 4 या 5 या फिर 6 लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2 इक्वल टू 1/6, क्योंकि ये 2 नंबर वाले एक ही मार्बल होंगे और फिर 5 नंबर वाले भी एक ही मार्बल होंगे और टोटल मार्बल्स 6 हैं, तो डिनोमिनेटर 6 होगा और इसकी संख्या 1 है, तो ये 1/6 और इसकी भी संख्या 1 है, इसलिए ये भी 1/6 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अ क्वाइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। जब भी दो टीम आपस में खेलता है तो पहले कौन खेलेगा यह डिसाइड हम लोग क्वाइन को टॉस करके देखते हैं, तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, यही इसकी पॉसिबिलिटी होगी। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, लाइकली पॉसिबल आउटकम्स जो होगा वो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो ही आ सकता है, तीसरा तो कुछ उसमें पॉसिबिलिटी है नहीं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ केस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कोई या तो इसमें से कोई एक ही आएगा, या तो हेड या फिर टेल, उसके आउटकम 1 होंगे और टोटल होगा 2, तो इसलिए ये होगा 1/2। नंबर ऑफ फेवरेबल केस 1 होगा, इसमें से कोई एक आएगा और टोटल नंबर ऑफ केस हैं 2, 1 एंड 1, 2, तो इसका फ्रैक्शन प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। इस तरह से एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो रहा है, इसे हम लोग अच्छी तरह से फेयर में नोट कर लें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं या फिर फ़ोन कॉन्टैक्ट से भी पूछ सकते हैं, बिटवीन 2 टू